क्यों जाम साहब क्या कहेंगे आखिरकार आप पहुंच गए असेंबली में बड़ी तादाद के साथ आप हुकूमत बना रहे हैं आप लीडर भी बन गए अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर और वजारत उज़्मा के लिए भी आपका नाम आया तो क्या कहेंगे वजारत आला के लिए क्या कहेंगे इस वक्त फीलिंग्स क्या है और हुकूमत के वाले से बता दीजिए। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि एक आज एक ऐसा दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े खुश असलूबी के साथ आज सूबाइयाँ असम्बली अपना ओथ ले रहे हैं जो एम पी एज हैं आज अपना ओथ ले रहे हैं। इलेक्शन का सिलसिला बड़ा एक कठिन मरहला था और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हुआ पाकिस्तान में हुआ फिर बलूचिस्तान में खैर आफियत से हुआ। कुछ बहुत सारे ऐसे वाकयात थे कि जो बहुत ही दर्दनाक थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत के हवाले से ये चीज़ें कम्प्लीट हुई। आज हम सब पार्टियाँ अपना ओथ लेने जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोलिशंस भी हैं इसमें दूसरी पार्टीज़ भी हैं। इसमें हमने देखा कि बलूचिस्तान के हवाले से हर सियासी पार्टी की किसी न किसी हवाले से कोई नुमाइंदगी आई है और इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी एक अपना एक मैंडेट हासिल किया है जो कि एज़ अ सिंगल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के बलूचिस्तान में आई है जो कि हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात भी है। और इसी तरह पोजीशंस हमने जो नेशनल असेंबली में लिए हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है जिसमें हमारे चार एमएनएस जो हैं वो जनरल इलेक्शन से इलेक्ट हुए हैं और रिजर्व के साथ पांच हैं। तो आज एक खुशी का दिन है और एक खुशी का दिन इस एक अच्छे महीने के हवाले से भी है कि कल 14 अगस्त है और आज ये असेंबली अपना हलफ उठा रही है। तो उम्मीद करते हैं दुआ भी करते हैं कि हम इस असेंबली में बैठ के आइंदा इन 5 सालों में ऐसे मंसूबे ऐसे पॉलिसीज़ ऐसी चीज़ों का तरतीब बनाए जो कि बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में हो उनकी बेहतरी के लिए हो उनकी खुशहाली के लिए हो उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए और उनके फ्यूचर के मुस्तकबिल के हवाले से। सर मेरे दो सवाल हैं एक ये है कि डिप्टी स्पीकर जी हमारी जो कोलिशन पार्टनर है हमने बेसिकली ये स्लॉट जो है कोलिशन पार्टनर के लिए रखा है और कोलिशन पार्टनर्स ने डिसाइड करके इंशाल्लाह अपना नाम हमें देना है। उसमें ऐसी जल्दी नहीं है आज चूँकि असेंबली में एमपीएस का ओथ है तो आने वाले एक दो दिन में इंशाल्लाह वो भी तरतीब आ जाएगी और हम चाह रहे हैं कि दोनों पोजीशंस जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हैं वो एक साथ ही अपना इलेक्शन भी करें और एक साथ अपना होट। सर सुबाई सर पीटीआई सरदार यार मोहम्मद रंज साहब ने कहा है कि अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमसे राबिता करें तो इसका क्या मतलब है कि अब तक उन लोगों ने और आपने राबिता नहीं किया है उनके लहजा भी कुछ नहीं हमारा राबिता कायम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल भी राबिता था इंशाल्लाह आज भी राबिता है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए ये एक सियासी मरहला है इसमें आपके साथ कोलिशन में जितनी भी पार्टीज़ होती हैं सब की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने अंदाज़ में आने वाली हुकूमतों में किस तरह होंगे तो हम सब साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले एक दो दिनों में आप इसमें क्लैरिटी भी देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।